नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बोरोवर को सेल नोटिस दिए बिना क्या बैंक उसकी प्रॉपर्टी को ऑक्शन कर सकता है। बहुत बार ये देखा गया है कि सिक्योर्ड क्रेडिटर जो होता है, यानी कि जो बैंक होता है, वह बिना नोटिस दिए हुए ही बोरोवर की प्रॉपर्टी को ऑक्शन कर देता है। और इसमें से जो बोरोवर होते हैं उनके पास इस बात की जानकारी नहीं होती है, और वह न तो DRT में और न ही हाई कोर्ट में वो कोई भी केस करते हैं। और इस प्रकार के लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, ज्ञान न होने की वजह से, नॉलेज न होने की वजह से बैंक उनकी प्रॉपर्टी को सेल कर देता है। जबकि सरफेसी अधिनियम की धारा 13(1), 13(2), 13(4) और 13(8) में इन सभी बातों का बखूबी से डिस्क्रिप्शन किया गया है। इस पे स्पेसिफिक जो धारा है वह सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13(8) के अंतर्गत ये विस्तार से बताया गया है कि इसमें बोरोवर के राइट को प्रोटेक्ट किया गया है। इसमें बोरोवर को इन्फॉर्मेशन और टाइम और डेट बताने के लिए बकायदा कहा भी गया है। इस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट भी है जो कि 2014 में उन्होंने दिया था, मैथ्यू वार्गीज वर्सेस एम अमृता कौर का ये जो डिसीजन है, इसमें बोरोवर को काफ़ी मदद मिलती है। तो विस्तार से हम आपको बता रहे हैं कि अगर आपने किसी भी बैंक से, देखिए हम हमेशा अपने वीडियोस में सारी बातों को लेकर के चलते हैं कि आपको चीज़ें सही से समझ में आए, क्योंकि अगर हम लास्ट की चीज़ें बता देंगे, मुद्दे की बात, सीधे उसी पे आ जाएंगे तो आपको चीज़ें शुरू से नहीं समझ में आएंगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर NPA नहीं हुआ है तो फिर कैसे हमारा बैंक प्रॉपर्टी बेच सकता है। तो आप कन्फ्यूज मत होइए, केस को समझिए पहले कि केस क्या है, किस तरीके से आपको राहत मिल सकती है। बहुत सारे नए एडवोकेट्स हैं, वो भी इस चीज़ से सीख सकते हैं कि अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी मॉर्गेज की और मॉर्गेज के बाद आपने उस पर जो एग्रीमेंट आपका हुआ और उसके बाद लोन आपको सैंक्शन हो गया और आपने उस पर EMI देनी शुरू की, और कुछ दिन के बाद देखते हैं कि आपका अकाउंट NPA हो जाता है, आप EMI नहीं देते हैं, तो फिर बैंक सरफेसी अधिनियम के तहत उस पर कार्रवाई करती है 13(2), 13(4), और फिर आपको सेल नोटिस भी दिया जाता है। लेकिन कहीं कहीं ये देखा जाता है कि आपकी प्रॉपर्टी पे ऑक्शन एक बार हुआ, कंडक्ट हुआ, लेकिन उस पर प्रॉपर्टी नहीं बिकी। तो ये जो मामला है इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि 2 साल पहले ऑक्शन निकला लेकिन वो प्रॉपर्टी ऑक्शन में नहीं बिकी। अब उसके बाद बैंक ने चोरी छिपे ही प्रॉपर्टी बेच दी। कई बार ये भी देखा जाता है कि बैंक ने आपको सेल नोटिस नहीं दिया और उसने आपकी प्रॉपर्टी सेल कर दी। जब आप बैंक के पास जाते हैं तो बैंक तो कहता है कि हमने आपकी प्रॉपर्टी बेच दी, बैंक कहता है कि हमने आपकी प्रॉपर्टी सेल कर दी। अब ऐसे कंडीशन में आपके पास क्या ऑप्शन है? तो देखिए हम आपको बता दें कि बैंक ने अगर आपकी प्रॉपर्टी ऑक्शन किया है और आप ये जानते हैं कि आपको किसी भी प्रकार से इंटीमेशन नहीं मिला है, किसी प्रकार से आपको सेल नोटिस नहीं मिली है, जिससे कि ये प्रूफ होता है कि जानकारी आपको थी, तो सरफेसी अधिनियम की धारा 13(8) के अंतर्गत बैंक का ये दायित्व है, यानी कि सिक्योर क्रेडिटर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है कि वो बोरोवर को सेल की जानकारी दे, सेल नोटिस दे जिसमें कि डेट और टाइम मेंशन हो। अगर ये नहीं होता है तो बोरोवर के ये लीगल राइट का वायलेशन है, और तो और इसमें ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल 300A में दिया गया है राइट टू प्रॉपर्टी, इसका ये वायलेशन है, ये भी हमारे अधिकारों के विरुद्ध है। तो अगर इसमें आपको नोटिस नहीं आती है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2014 में एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट दिया था, मैथ्यू वार्गीज वर्सेस एम अमृता कौर एंड अदर्स, ये 2014 में, यानी कि 2014 में ये केस डिसाइड हुआ था, जिसमें कि कहा गया था कि जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है, जो बैंक है, जो इंस्टीट्यूशन है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है,
उसकी ये ड्यूटी है कि वह सरफेसी अधिनियम की धारा 13(8) को बखूबी लिटरली सही तरीके से अक्षरशः पालन करे और उसमें बॉरवर को वह नोटिस दे, सेल नोटिस दे और उसमें डेट और टाइम जरूर बताए। अगर वह इस तरीके से नोटिस देने में फेल होता है तो फिर बॉरवर ट्रिब्यूनल में या फिर हाई कोर्ट में जा करके उनके खिलाफ रेमेडी ले सकता है, उनके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकता है। तो अगर आपके साथ भी इस प्रकार की कोई समस्या हो रही है तो आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं। अगर आपको नोटिस नहीं मिली है और ये ऑक्शन इस तरीके से इल्लीगल हुआ है तो इस तरीके के ऑक्शन को कैंसिल करने के लिए आप DRT में भी जा सकते हैं, आप रिट पिटीशन फाइल करके हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो इस केस का हवाला दे करके आप अपने केस में मजबूती ला सकते हैं और यकीन मानिए आपकी जो प्रॉपर्टी है वो आपको मिल जाए। इसमें एक महत्वपूर्ण बात और भी कही गई है कि इसमें सिक्योर क्रेडिटर बॉरोअर को वो सारी चीज़ें देगा कि वो पूरा एफर्ट लगाए अपनी प्रॉपर्टी को वापस लेने में, तो यानी कि पूरी की पूरी अपॉर्चुनिटी देगा, पूरी तरीके से उसको मौका दिया जाएगा बॉरोअर को। ऐसा नहीं कि बॉरोअर को मौका ना दिया जाए और इसमें बहुत ही गलत तरीके से ऑक्शन हो जाए, बहुत ही गलत तरीके से नोटिस इशू हो जाए। तो इस तरीके से अगर आपके साथ प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने केस में इस तरीके से बचाव कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये जो जजमेंट है मैं इसको डिस्क्रिप्शन में इस नाम दे दूंगा, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आएगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर प्रदान करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान जरूर रखें। थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों।